नमस्कार जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नोटबंदी जैसा एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी में मोदी सरकार, तय मात्रा से ज्यादा गोल्ड की सरकार को देनी होगी जानकारी। वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट के पास भेजा है सोने की स्कीम का प्रस्ताव, तय मात्रा से ज्यादा सोना पाए जाने पर लगेगा भारी जुर्माना। महाराष्ट्र में सत्ता की महाभारत में साफ फार्मूला भी हुआ फेल, अब भाजपा शिवसेना के बीच जोड़ तोड़ की सियासत तेज। भाजपा विधायक दल की बैठक में नेता चुने गए देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के सियासी हालात पर कांग्रेस का मंथन जारी। महाराष्ट्र में 50-50 के फार्मूले पर भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार का बयान, का विरोधियों को समझना चाहिए कि शेर कभी घास नहीं खाता। शिवसेना ने कल दोपहर 12 बजे बुलाई विधायकों की बैठक, सरकार बनाने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र, कहा सरदार पटेल की जयंती पर हो विशेष कार्यक्रमों का आयोजन। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने शुरू की तैयारियां, बीजेपी कार्यालय में किया हवन, सांसद गौतम गंभीर रहे नदारद। डीटीसी की बस में सवार हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, सफर कर रही महिलाओं से मुफ्त यात्रा का लिया फीडबैक। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव से मिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दीपावली की दी बधाई, इस दौरान शिवपाल यादव भी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर प्रियंका ने योगी सरकार पर साधा निशाना, का जनता को परेशान कर रही है पुलिस, चुप बैठी है सरकार। हैदराबाद के सांसद ओवैसी को ईयू सांसदों का जवाब, काम नाजीवादी होते तो जनता हमें नहीं चुनती। सांसद ओवैसी ने ईयू सांसदों के जवाब पर किया पलटवार, पूछा क्या भारत सरकार हिटलर समर्थकों का साथ देगी। ब्रिटेन में 12 दिसंबर को आम चुनाव होने का रास्ता साफ, देश की प्रमुख विपक्षी लेबर पार्टी ने दिया ग्रीन सिग्नल। ब्रिटिश पीएम ने चौथी बार सदन में पेश किया था चुनाव प्रस्ताव, चुनाव कराने के पक्ष में 418 और विरोध में 20 सांसदों ने डाला वोट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, फायरिंग में एक नागरिक की मौत, 7 अन्य घायल। यूपी के बलिया में भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का बड़ा बयान, का मायावती को सीएम बनने के लिए दोबारा लेना होगा जन्म। टीपू सुल्तान पर कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा का बड़ा बयान, का नई मनेगी टीपू जयंती, किताबों से भी हटेगा सब कुछ। राज्यपाल और सीएम ने कश्मीर में बंगालियों की हत्या पर जताया दुख, का पांचों मजदूरों के परिवारों की हर संभव की जाएगी मदद। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरकार पर जमकर बोला हमला, का केंद्र सरकार की गलत नीतियों ने बिगाड़े घाटी के हालात। ईयू प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर सुरजेवाला का मोदी सरकार पर तीखा हमला, का जम्मू कश्मीर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने पर स्पष्टीकरण दे प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जामिया के वार्षिक दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, बोले और ज्यादा गांव गोद लेने की संभावनाएं तलाशे विश्वविद्यालय प्रशासन। चिदंबरम ने धन शोधन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मांगी राहत, सेहत संबंधी कारणों का हवाला देकर अंतरिम जमानत देने का किया अनुरोध। विदेश यात्रा पर फिर रवाना हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी ने बताया आध्यात्मिक दौरा। शेयर बाजार में रौनक, 40,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स, 11,842 के स्तर को पार कर गया निफ्टी। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, राष्ट्रपति कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से कर चुके हैं मुलाकात। इकबाल मिर्ची से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी के समक्ष पेश हुए राज कुंद्रा, धन शोधन की रोकथाम कानून के तहत उनका बयान दर्ज करेगी एजेंसी। दिल्ली कांग्रेस की चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख कीर्ति आजाद का बयान, बोले मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं, लेकिन सोनिया गांधी जो कहेंगी वो करूंगा। फरवरी में रिलीज होगी आरजेडी नेता लालू यादव पर आधारित फिल्म लालटेन नामक भोजपुरी फिल्म में यश कुमार ने निभाई लालू की भूमिका। हर जिला मुख्यालय पर पटेल जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करेगी सपा, प्रवक्ता बोले आम लोगों को भाजपा के छल से रूबरू कराएगी पार्टी। भाजपा शिवसेना की तकरार पर एनसीपी ने कार्टून बनाकर किया कटाक्ष, कमल के ऊपर शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष और तीर का बनाया निशान। पाकिस्तान ने गुरु नानक की 550वीं जयंती पर जारी किया स्मारक सिक्का, प्रधानमंत्री इमरान खान ने फेसबुक पोस्ट में सिक्के की तस्वीर की साझा। पुलिस हिरासत में जान जाने पर अखिलेश ने योगी सरकार पर साधा निशाना, बोले जनाक्रोश को झूठी दलीलें देकर दबाना चाह रही है भाजपा सरकार। सत्य प्रकाश शुक्ला मामले को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाया आरोप, अजय लल्लू बोले पुलिस अपराधियों को नहीं निर्दोषों को कर रही है प्रताड़ित। स्पेशल कोर्ट में हुड्डा और मोतीलाल बोरा को मिली अंतरिम जमानत, पंचकुला के एजेएल प्लाट आवंटन मामले में बनाए गए आरोपी। जेवरिया रिपोर्ट में जमीन देने वाले किसानों ने सीएम योगी से की मुलाकात, विधायक धीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सौंपे जमीन के प्रमाण पत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसानों के सामने किया दावा, बोले पहले की सरकारें लूट खसोट में रही व्यस्त, हमारी सरकार ने किया विकास। अब निगम आयोग और बोर्ड में रिक्त पदों को भरेगी योगी सरकार, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का होगा समायोजन, जल्द होगी कोर ग्रुप की बैठक। राजस्थान में भाजपा और आरएलपी में नजर आने लगी दरार, अब अपने स्तर पर निकाय चुनाव लड़ने को तैयार दोनों पार्टियां। नायकाय के साथ कल से शुरू हो जाएगा आस्था का महापर्व छठ, गली मोहल्ले में गूंजने लगे छठ गीत, बाजारों में दिखी रौनक। हरियाणा में भाजपा और जसपा में विभागों को लेकर फंसा पेच, दोनों दलों में नई कैबिनेट के मंत्रियों पर नहीं बन पा रही सहमति।
तेजस्वी यादव ने बिहार में शराबबंदी को बताया फेल, बोले सीएम नीतीश के आवास से पैदा हुए कई शराब माफिया। संसद मार्ग जयसिंह रोड पर दिल्ली पुलिस का नया मुख्यालय तैयार, कल गृह मंत्री अमित शाह 4 मंजिला इमारत का करेंगे उद्घाटन। सिग्नेचर ब्रिज से डीएनडी तक बनेगा 22 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, यूपी हरियाणा और दिल्ली वासियों को मिलेगा सीधा लाभ। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार के सामने रखी मांग, पाक की ओर से तय $20 की फीस अदा करे अमरिंदर सरकार। राहुल द्रविड़ से मिलने एनसीए पहुंचे बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली, भारतीय क्रिकेट के भविष्य का तैयार करेंगे खाका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया साकिब का बचाव, कहा साकिब को गलती का एहसास, प्रतिबंध पर कुछ कर नहीं सकते। इंग्लैंड के माइकल वॉन और ऑस्ट्रेलियाई डीन जोन्स ने उठाई मांग, कहा साकिब पर लगना चाहिए था और बड़ा प्रतिबंध। नामीबिया ने T20 विश्व कप टूर्नामेंट के लिए किया क्वालिफाई मुकाबले में ओमान को 54 रनों से दी मात। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे T20 में 117 रन पर सिमटी श्रीलंका, विकेट कीपर कौशल परेरा ने सबसे ज्यादा 27 रन बनाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात, नमस्कार।